हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साई एकेडमी फॉर सक्सेस। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश क्लास ट्वेल्थ के बारे में। और जैसे आपको बताया है कि 30% सिलेबस जो है वो कम हो गया है, और यहाँ पर पूरा मैं आपको एग्ज़ाम का पैटर्न दिखाना चाहता हूँ कि इस बार जो है एग्ज़ाम किस तरीके से आएगा। और इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर CBSE ने एलिमिनेट कर दिए 30% COVID-19 की वजह से। सबसे पहले देखो, जो आपका जो पूरा पेपर होता है बच्चों, वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है, यहाँ पर पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन, आप यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर सकते हो, चाहे इसको आप देख भी सकते हो, ठीक है। तो जो ये है आपका, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फ्रेंसिस वोकेबलरी एंड इंटरफेस इन्फ्रेंस ऑफ मीनिंग विल ऑल्सो बी एसेस। द पैसेज में बी फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी। 10 out of 11 क्वेश्चन टू बी डन। तो 11 क्वेश्चन आएंगे, 11 में से कोई 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होंगे। दूसरा क्या है, एक 10 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आएगा, और दूसरा भी आपका 10 नंबर का ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आएगा। तो 20 नंबर का आपका ये हो गया, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अनसीन केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद वर्बल। तो यहाँ पर 10 नंबर के ये दोनों MCQs के अकॉर्डिंग आपके दे रखे हैं, 20 नंबर ही हो गए, ठीक है। वर्ड लिमिट ऑफ फॉर बोथ पैसेज विल बी 700 to 750 वर्ड्स। दूसरी बात कर लेते हैं लिटरेचर, 20 मार्क्स का लिटरेचर है। देखो, पहले 20 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, और दूसरा 20 मार्क्स देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका लिटरेचर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर भी दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू प्रोज, एक्सट्रैक्ट वन ईच फ्रॉम द बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टास। तो एक या दोनों को ऑप्शन में दे देगा वो, टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन एंड अप्रिशिएशन, रेफर टू द लाइन्स टू आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, एनी 2 out of 3 एक्सट्रैक्ट टू बी डन। तो तीन में से कोई 2 क्वेश्चन करने होंगे इसमें, क्योंकि वो दे देगा आपको ऑप्शन में फ्लेमिंगो या विस्टास में से कोई एक पैसेज आपका आ सकता है, ठीक है। और उस पैसेज के आधार पर आप क्या कर सकते हो, आंसर दे सकते हो। ये अनसीन जी पैसेज का है, ऊपर अनसीन पैसेज थे 20 मार्क्स, तो नीचे क्या है, सीन पैसेजेस हैं। नीचे लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक फ्लेमिंगो। तो ये 4 नंबर का आपका पोएम में से आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन टू एसेस कॉम्प्रिहेंशन एनालिसिस इन्फ्रेंस। 4 नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे, 8 out of 10 क्वेश्चन टू बी डन, यानी दोनों बुक से 4-4 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो 10 क्वेश्चन देंगे टोटल वो, और 10 में से कोई जो 4-4 क्वेश्चन है, यानी दोनों में से एक चॉइस होगी, पहले वाली बुक में एक चॉइस होगी, सेकंड वाली बुक में भी एक चॉइस होगी, तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात थी बुक और लिटरेचर, बुक और अनसीन पैसेजेस की। 20 नंबर का आपका बुक हो गया, और 20 नंबर का आपका अनसीन पैसेजेस हो गया। थर्ड बात कर लेते हैं, राइटिंग सेक्शन की बात अगर मैं करूँ, ठीक है। पार्ट बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 मार्क्स का है ये, ठीक है। शॉर्ट राइटिंग टास्क करना है, नोटिस एडवर्टाइजमेंट। देखो, ये आपका इस बार ना पोस्टर एलिमिनेट कर दिया है, पोस्टर और इनविटेशन आपका एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। तो पोस्टर और इनविटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, खाली क्या पढ़ना है, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट से आपका काम चल जाएगा। दूसरी बात, फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन दे रखा है, बट आप अगर नोटिस और एडवर्टाइजमेंट यही कर लोगे सफिशियंट रहेगा, बाकी पोस्टर उन्होंने आपकी बुक से हटा ही दिया है, अब नहीं। इनविटेशन दे रखा है 3 मार्क्स का, पहले 4 मार्क्स का हुआ करता था, और ये कितने मार्क्स का हो गया, 3 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, लेटर राइटिंग कौन कौन सी आई, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट टू बी आंसर्ड अप्रोक्सीमेटली 120 to 150 वर्ड्स। तो जो इसका जो आंसर देने आपको कितने देने, 120 to 150 वर्ड्स में आपको आंसर देने। लेटर टाइप्स इंक्लूड एप्लीकेशन फॉर जॉब, तो एप्लीकेशन फॉर जॉब आपका आएगा बच्चों एक, तो ठीक है। लेटर टू द एडिटर आएगा, ठीक है, फॉर सजेशन एंड ओपिनियन, तो जो आते थे वही आपके आएंगे। तो क्या इसमें हटा दिया है बता दो आपको, जो बिजनेस लेटर थे, सभी प्रकार के जो बिजनेस लेटर थे, आपने पढ़ा होगा वो पहले भी, कि आपका प्लेसिंग ऑर्डर, कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, ठीक है, मेकिंग इंक्वायरी, वो सब आपका हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। साथ में स्पीच और डिबेट, इन दोनों को हटा दिया, मतलब जो आपका मोटा मोटा कहो 11th में था, आर्टिकल रिपोर्ट राइटिंग डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिक इन नेचर,
बेस्ड ऑन वर्बल इनपुट्स टू आंसर इन 120 टू 150 वर्ड्स, इसी में लिखने, ठीक है। तो कोई दो दिए होंगे आपको और किन्हीं दो में से आपको एक का आंसर देना है, यानी आपका जो हटा दिया है वो क्या हटा दिया, रिपोर्ट और स्पीच को आपका हटा दिया, ठीक है। तो 16 मार्क्स का बाकी बचा। फिर बात करते हैं 24 मार्क्स की क्या, 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आउट ऑफ 6 फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री। 6 क्वेश्चन देंगे आपको लास्ट में और 6 में से कोई 5 करने होंगे, ठीक है। टू बी आंसर 30 to 40 वर्ड्स ओनली, वो जो आपका लास्ट पैसेज होता है उसके अंदर, ये पैसेज नहीं है मतलब ये क्वेश्चन आंसर है। लास्ट में क्वेश्चन आंसर में क्या दिया है आपको, फ्लेमिंगो में से 6 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फ्लेमिंगो देखो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम प्रोज एंड पोएट्री, यानी पोएट्री में से भी आ सकते हैं एक दो क्वेश्चन और प्रोज यानी कि जो बाकी है उसमें से जो चैप्टर्स और में से भी आ सकते हैं। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 3 फ्रॉम प्रोज, विस्टार से 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 करने हैं। फ्लेमिंगो से कितने क्वेश्चन आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 में से कोई 5 करने हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा फ्लेमिंगो से 5 नंबर का और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा विस्टार से 5 नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। अब देखते हैं डिलीटेड टॉपिक्स, कौन कौन सी चीज डिलीट कर दी हैं आपकी बुक से। बुक से अगर बात करूँ, चैप्टर की बात करूंगा, डिलीटेड टॉपिक्स आपके क्योंकि नोट मेकिंग और समरी, इन दोनों को डिलीट कर दिया है जी। नोट मेकिंग नहीं आएगी इस बार, अनसीन पैसेज आएंगे खाली 2, तो 8 मार्क्स की जो नोट मेकिंग अलग से आई थी वो नहीं आएगी अब। दूसरा, फ्लेमिंगो में से कुछ चैप्टर ही पहले भी एलिमिनेटेड थे बच्चे, अभी पिछले साल ऐड हुए थे फिर से इनको एलिमिनेट कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से, बाकी कुछ नहीं, बाद में आएंगे, नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस और रोड साइड स्टैंड, इनको हटा दिया गया है। दूसरा, विस्टार्स में से एक चैप्टर था टाइगर किंग, अच्छा चैप्टर था ये, इसको हटा दिया गया, इजी चैप्टर था बच्चों के लिए, ये चैप्टर हटा, द टाइगर किंग हटा दिया गया। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, एक और चैप्टर ये भी इसी साल मतलब ऐड हुआ था, इसको हटा दिया गया। और एक मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसको आपको इन्होंने ऐड कर दिया, बुक लाया मैं आपको इंग्लिश की, बस दिखाना मुझे, आपको बुक भी दिखा दूंगा मैं थोड़ा सा, रुको अभी। दूसरा क्या है, राइटिंग की बात कर लेते हैं, राइटिंग में से पोस्टर मेकिंग हटा दिया, मैंने ऊपर डिस्कस किया है। और बिजनेस और ऑफिशियल लेटर्स फॉर मेकिंग इंक्वायरी, रजिस्ट्रेशन, कंप्लेन, ये बताया था, बिजनेस लेटर हर तरह के वो हटा दिए हैं। स्पीच और डिबेट्स को आपको हटा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका सारा जो सिलेबस है, ये इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस हो गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है, सॉरी डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए ऐसे कर रहा, ठीक है। ये सिलेबस देखो, मैं मेरे पास फ्लेमिंगो की एक बुक है, मैं आपको फ्लेमिंगो की बुक दिखाना चाहता हूँ, अभी कैमरे पर आपको पूरा मिल जाएगा, ये देखिए, ये फ्लेमिंगो की पूरी बुक है। तो फ्लेमिंगो की इस बुक के अंदर अगर आप देखो कौन कौन चैप्टर आप और कौन कौन चैप्टर जो है आपके वो डिलीट हो गए हैं, आपके पास अगर बुक है तो उस बुक में आप टिक लगा सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन आएगा, लॉस्ट स्प्रिंग भी आएगा, रेड ट्रैप आएगा, इंडिगो आएगा। चैप्टर नंबर 6 है पोएट एंड पैनकेक्स और द इंटरव्यू एंड, ये दो चैप्टर आपके हटा दिए गए इस वाली बुक से। बाकी पोएम सारी जितनी थी उतनी की उतनी है, ज्यादातर हिस्सा जो काटा गया है वो आपका विस्टार्स का काटा गया है, तो विस्टार्स में से ज्यादातर आपका हटाया गया। बाकी राइटिंग सेक्शन में से आपके दो ही हिस्से निकाले गए हैं, जो आपका डिबेट और स्पीच है, और साथ पोस्टर मेकिंग भी आपका हटा दिया गया, ठीक है। तो ये तो बात हुई आपका इंग्लिश के सिलेबस की, अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए, इकोनॉमिक्स की वीडियो बनाऊंगा, इकोनॉमिक्स के बारे में पूरा पूरा सिलेबस हम लोग बात करेंगे कि कहाँ से आपके ज़्यादा मार्क्स बन सकते हैं, कहाँ से नहीं। तो स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल, देखते रहिए, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।